वस्तु तस्करों से 200 इंजेक्शन बरामद। जबलपुर में आरोपी के घर से सुअर मारने वाला बम, कारतूस और तलवारें भी मिली। नशे के सौदागरों के खिलाफ जबलपुर पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद रफी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से नशे के तकरीबन 200 इंजेक्शन, कारतूस और बम बरामद हुए। पुलिस ने उसके एक साथी मोहम्मद नदीम को भी गिरफ्तार किया। नदीम भी नशीले इंजेक्शन का धंधा करता है। मुखबिर से सूचना मिलते ही हनुमान ताल थाना पुलिस ने दबिश देते हुए दोनों को पकड़ा। दोनों ही आरोपियों से पूछताछ में बताया कि वे चार खम्भा निवासी शेरों से इंजेक्शन लेकर शहर में बेचते हैं। गोहलपुर CSP अखिलेश गौर ने मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि मोहरिया में रहने वाले मोहम्मद रफी और बबलू के पास भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन रखे हुए। पुलिस ने जब दबिश दी तो आरोपी के घर एक बाल्टी में 9 सुअर मार बम रखे मिले। आरोपी के घर से एक तलवार, 2 जिंदा कारतूस और चाइना चाकू भी मिला। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों ने खुलासा किया कि नशीले इंजेक्शन का धंधा करने के दौरान उनके सहजाद कंचा से नजदीकियां बढ़ी थी, जिसके बाद सहजाद ने उन्हें देसी सुअर मार बम मारना सिखाया था। पुलिस के मुताबिक सहजाद ने उसे देसी कट्टा दिया था। हनुमानताल थाना मोहम्मद पुलिस ने मोहम्मद रफीक और मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में फरार सहजाद तौहीद मंसूरी सहित अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। इस मामले में पुलिस ने 19 लोगों को आरोपी बनाया है। बने रहे तो खबरदार न्यूज के साथ।